नमस्कार, चाणक्य IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। यूरोपीय संघ G7 और ऑस्ट्रेलिया ने रूस के जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल की यहां पर बात हो रही है से होने वाली कमाई को सीमित करने के प्रयास में रूस से जीवाश्म ईंधन का निर्यात करने वाले देशों के लिए इसकी कीमत $60 प्रति बैरल पर कैप करने का फैसला किया है। मतलब ये कि अगर कोई देश रूस से कच्चा तेल या क्रूड ऑयल खरीदता है तो उसकी ज्यादा कीमत क्या हो सकती है, अधिकतम कीमत क्या हो सकती है, तो $60 प्रति बैरल। यूरोपीय संघ भी समुद्र द्वारा भेजे जाने वाली रूसी क्रूड का बहिष्कार करेगा। हालांकि इनके द्वारा लिए गए इस फैसले को रूस के द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है, परंतु भारत जैसे तेल आयातकों के लिए यह कदम चिंता का कारण है। चलिए बात करते हैं विस्तार के साथ। पहली बात तो ये कि तेल की कीमतों पर इस कैप का क्या मतलब है। तो इसका मतलब यह है कि यह जो कदम उठाया गया है यह मूल्य सीमा से ऊपर रूस से कच्चे तेल की खरीद और उसके वितरण पर रोक लगाता है। यह पश्चिम द्वारा मतलब पश्चिमी देशों के द्वारा रूस को अलग थलग करने और यूक्रेन के साथ लड़ रहे रूस की आय को कम करने के उपायों की श्रृंखला के बीच एक और प्रयास है। यूरोपीय संघ के अनुसार जीवाश्म ईंधन पर लगाया गया यह कैप या मूल्य सीमा वैश्विक ऊर्जा कीमतों को स्थिर करने के लिए भी काम करेगी, जो यूक्रेन युद्ध के दौरान ऊंचे स्तर पर बनी हुई है और मुद्रा स्फीति को भी संबोधित करेगी। अब हम बात करते हैं कि अगर प्राइस कैप लगाया जाएगा तो यह आखिर काम कैसे करेगा। तो इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में रूसी तेल की सप्लाई को प्रभावित करते हुए रूस की आय को सीमित करने के तरीके के रूप में देखा जा सकता है। इस प्राइस कैप को लगाने का उद्देश्य है कि अगर रूस के तेल को बाजार से अचानक हटा दिया जाए, मतलब बाजार तक जो उसकी पहुंच है उसको हटा दिया जाए, तो ऐसा इनका मानना है कि ना केवल तेल की कीमतों में होने वाले तेज उछाल को रोका जा सकेगा बल्कि इससे रूस को वित्तीय नुकसान भी होगा। अब यहां पर एक बात जानना जरूरी है कि तेल के वितरण में शामिल होने वाली जो जहाज कंपनियां होती है वो वित्तीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बीमा कराती है। बीमा करने वाली अधिकांश कंपनियां EU या UK में स्थित है। इसका मतलब है कि ये जो शिपिंग कंपनियां हैं, ये शिपिंग कंपनियां उन्हीं तेल का वितरण कर सकती हैं जो इस कैप तक ही तेल रूस से खरीदती हैं। मतलब ये कि शिपिंग कंपनियों को कैप में भाग लेने की आवश्यकता होगी या इनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। कच्चे तेल ले जाने वाली ये कंपनियां केवल तभी रूसी कच्चे तेल को ले जाने में सक्षम होंगी यदि तेल की कीमत कैप पर या उससे कम हो। वहीं दूसरी तरफ लोगों का यह कहना है, मतलब विश्लेषकों का यह कहना है कि प्रतिबंधों के इस पहले दौर में यूरोपीय संघ और UK द्वारा लगाई गई यह कैप की शर्त बाजार से इतना रूसी कच्चे तेल की पूर्ति को बाधित कर सकता है कि तेल की कीमतें घटने की बजाय बढ़ जाएंगी और इसका नुकसान पश्चिमी अर्थव्यवस्था को भी उठाना पड़ेगा। अब आगे यहां पर यह सवाल है कि क्या कैप लगाने से मदद मिलेगी। तो देखिए इसका क्या जवाब है। रूस से तेल का निर्यात पहले से ही कई यूरोपीय संघ के देशों और अमेरिका द्वारा बंद कर दिया गया है और जो नवीन कदम अभी उठाया गया है ना उसका कोई अधिक गंभीर प्रभाव नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक भारत, चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों सहित अन्य खरीदारों को रियायती कीमत पर अपना तेल बेच रहा है। यहां जो हमने बात की दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक, यहां पर बात किसकी हो रही है, रूस की हो रही है। अब आगे देखिए कि इन देशों को जिसका नाम लिया गया, जैसे कि भारत, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया देशों की अगर हम बात करें तो इन देशों को बड़ी मात्रा में रूस कच्चे तेल की आपूर्ति कर रहा है। उदाहरण देखिए कि चीन ने प्रतिदिन 900,000 बैरल और भारत ने रूस से अक्टूबर में केवल अगर हम बात करें तो 883,000 बैरल प्रतिदिन आयात किया है और वर्तमान में रूस द्वारा कुल समुद्री तेल निर्यात का 58%, मतलब कि 58% हिस्सा भारत और चीन को आपूर्ति करता है। सिमोन टेग्लिपिट्रा, जी हां, ये एक ऊर्जा विशेषज्ञ है। इनका यह कहना है कि $60 का जो यह कैप लगाया गया है इस कैप का रूस के वित्त पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह कहा कि लगभग किसी का ध्यान नहीं जाएगा इस पर क्योंकि यह उस जगह के पास होगा जहां रूसी तेल पहले से ही बिक रहा है। हाँ, यदि सीमा $50 होती
मतलब कैप जो लगाया जाता है, अगर वो कैप $50 की होती तो रूस के लिए अपने बजट को संतुलित करना असंभव होता है, क्योंकि माना जाता है कि मास्को को फिस्कल ब्रेक इवन ऑयल प्राइस, ये फिस्कल ब्रेक इवन ऑयल प्राइस क्या होता है इसकी बाद में हम बात कर लेंगे। तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि यह माना जाता है कि मास्को को फिस्कल ब्रेक इवन ऑयल प्राइस के लिए लगभग $60 से $70 प्रति बैरल की आवश्यकता होती है। हालांकि $50 की सीमा अभी भी रूस की $30 और $40 प्रति बैरल के बीच उत्पादन की लागत से ऊपर रही होती। कैप की घोषणा से मास्को को तेल बेचने के लिए एक प्रोत्साहन ही मिला है। तो कुल मिलाकर विशेषज्ञों का यह कहना है कि यह जो कैप इन्होंने लगाया है, इस कैप से रूस को फिलहाल कोई नुकसान होता नहीं दिख रहा है। अभी हमने बात की थी ना फिस्कल ब्रेक इवन ऑयल प्राइस की, तो फिस्कल ब्रेक इवन ऑयल प्राइस तेल की वह कीमत है जो तेल निर्यातक देश के बजट को संतुलित करने के लिए आवश्यक समझते हैं। मतलब बात किसकी हो रही, तेल की कीमत की हो रही है। और यह देशों के राजस्व और व्यय के विश्लेषण एक पक्ष है, और राजस्व और तेल की कीमत के बीच संबंध की गणना पर आधारित होता है। विशेष रूप से इसकी गणना IMF के द्वारा की जाती है। तो यहां पर हमने ये जाना कि फिस्कल ब्रेक इवन ऑयल प्राइस क्या होता है। अब यहां पर यह है कि ये जो फैसला लिया गया है तेल की कैप लगाने की, मतलब रूस से अगर निर्यात किया जाता है तो उस पर उसका क्या मूल्य होगा, उसकी एक ऊपरी सीमा निर्धारित की गई है। तो क्या रूस क्या कदम उठा सकता है? रूस ने कहा है कि वह एक सीमा का पालन नहीं करेगा, मतलब यह कि वह इस सीमा का पालन नहीं करेगा, और जो देश इसका पालन करेंगे उन देशों को वह डिलीवरी रोक देगा, मतलब उसको क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करेगा। रूस का यह कहना है कि उच्च वैश्विक तेल मूल्य से लाभ की उसे उम्मीद है, और इस लाभ की उम्मीद में शिपमेंट को बंद करके वह जवाबी कार्रवाई कर सकता है। यह भी हो सकता है कि रूस या चीन अपने स्वयं के बीमा प्रदाताओं को स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसका क्या उद्देश्य होगा? इसका उद्देश्य यहां पर यह होगा कि ज्यादातर बीमा प्रदाता कंपनी जो यूरोपियन यूनियन और UK स्थित है, जिसकी हमने पहले ही बात कर ली है, अगर रूस और चीन अपने यहां पर बीमा प्रदाता कंपनी खोलते हैं और जो शिपमेंट कंपनियां हैं या शिपिंग कंपनी है, अगर वो बीमा उन कंपनियों से कराते हैं जो रूस या चीन में है, तो फिर यह हो सकता है कि इस कैप लगाने का कोई खास असर ना पड़े और रूस से कच्चे तेल का वितरण पहले की तरह ही लगातार बना रहे। अब एक सवाल है, सवाल यह है कि यूरोपियन यूनियन, G7 और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो प्राइस कैप लगाया गया है, यह फिक्स है या इसे बदला जा सकता है? तो जानकारों का यह कहना है कि यह कैप या मूल्य सीमा समय के साथ एडजस्टेबल है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि आगे की घटना यह निर्धारित करेगी कि कैप में संशोधन किया जाए या नहीं, मतलब ये कि उसकी ऊपरी सीमा को बढ़ाया जाए या घटाया जाए। उसके अलावा भविष्य में कैप के निर्धारण में जो निर्णय अभी लिए गए हैं उन निर्णयों का कार्यान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद उसकी प्रभावशीलता, मतलब कहां तक वो प्रभाव डालते हैं, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस निर्णय के अनुपालन पर ही यह निश्चित किया जाएगा कि जो कैप की सीमा है उसको बढ़ाया जाए या घटाया जाए। अब यहां यह महत्वपूर्ण है कि इस कदम का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्राइस कैप का भारत पर असर पड़ने की संभावना नहीं लगती है। क्यों? इसलिए क्योंकि प्राइस कैप उस डिस्काउंटेबल लेवल से ऊपर सेट किया गया है जिस पर रूस भारत को पहले से ही तेल बेच रहा है। हाल ही में एक अनुमान है कि उस अनुमान के मुताबिक भारत और चीन ने रूस से करीब $50 प्रति बैरल पर कच्चा तेल खरीदा है और खरीद रहे हैं। भारत के पास पारंपरिक प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के रूप में इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ तेल आयात का एक विविध स्रोत भी मौजूद है। मतलब ये कि केवल हमारी निर्भरता रूस पर नहीं है। हालांकि आपूर्ति अभी एक समस्या नहीं लगती है, परंतु रूस द्वारा आगे कैप्ड मूल्य पर या नीचे तेल बेचने से इनकार करने से आपूर्ति संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं। हालांकि भारत ने कहा है कि वह रूस सहित सभी संभावित स्रोतों से तेल आयात करना जारी रखेगा। इसके अलावा तथ्य यह है कि मूल्य कैप रूस द्वारा दी जाने वाली रियायती कीमतों से अधिक निर्धारित की गई है, भारत के लिए एक राहत के रूप में है। साथ ही भारत को वैश्विक तेल आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया है कि भारत के लिए जो तेल की आपूर्ति की जा रही है उसमें कोई व्यवधान नहीं होगा।
तो इस प्रकार G7 यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो हाल ही में निर्णय लिया गया कि रूस के द्वारा जो तेल की आपूर्ति की जा रही है वैश्विक स्तर पर, उस पर कोई भी देश अगर वह खरीदता है तो खरीदने की जो ऊपरी सीमा होगी जिसे कैप के रूप में यहाँ पर कहा जा रहा है वह $60 प्रति बैरल होगा। उससे संबंधित विभिन्न आयामों पर हमने चर्चा की। इसके साथ ही इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।